देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज शिवपुरी से अजय शर्मा की रिपोर्ट। बेराड़ में भाजपा विस्तारक ने बूथ अध्यक्षों के साथ ली बैठक। बेराड़ मंडल में लगातार सभी सेक्टरों में भाजपा द्वारा बैठकों का दौर जारी, जिसमें प्रतिदिन बेराड़ मंडल के प्रत्येक सेक्टर की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें गाजीगढ़, बुड़द्रा, बीलबरा, नदोरा, एचबाड़ा एवं बेराड़ नगर केंद्र आदि सभी सेक्टरों पर बैठकें ली गईं। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। तो आपके द्वारा जो सेक्टरों में जो मीटिंग ली जा रही है, तो आप आज बेराड़ में मीटिंग है, तो किस प्रकार से मतलब क्या कुछ इसमें आप कर रहे हो? ये पूरी विधानसभा में प्रत्येक बूथ तक जाने का ऐसा कार्यकर्ताओं को साथ बैठान कर कार्यकर्ता की तैयारी, बूथ की तैयारी, उसी निमित्त सेक्टर को हमने एक वो बनाया है। सेक्टर के अंदर आने वाले ग्राम केंद्र हैं, वो ग्राम केंद्र के बाद हम पोलिंग बूथों पर बैठ पहुंचते हैं। पोलिंग बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता है, 20 की समिति है, उसकी आगे की तैयारी के लिए उन कार्यकर्ताओं में वातावरण और सरकार केंद्र की योजना है उनका प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यकर्ताओं को हम सक्रिय करते हैं। ऐसी ही बैठक निमित्त आज पूरे बैराड़ मंडल में चल रही है। इसके बाद अगला पोहरी, सुहासपुरा, नरबर, चारों मंडलों में ये बैठकें लगातार चल रही है। जैसे अभी आप बैराड़ में जो बैठक कर रहे हो, तो इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का किस प्रकार से कैसा पालन? सोशल डिस्टेंसिंग का हमारी 4 गज की दूरी, मीटर की दूरी करती है। भाई साहब, आपके द्वारा जो मीटिंग ली जा रही है सेक्टरों पर, तो उसमें किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो और उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी बैराड़ मंडल आदरणीय विस्तारक तुपन सिंह मीणा जी के नेतृत्व में प्रत्येक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जो हमें निचले स्तर पर कार्य दिए उनके संचालन के लिए हम बैराड़ मंडल के 89 बूथों पर पिछले 11 दिन से लगातार सतत प्रयास प्रवास पर हैं और हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक बूथ पर हम जा सकें, जिसमें आज हम काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य की दृष्टि से बैराड़ मंडल का आज बैराड़ नगर में क्या कहते हैं संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। नहीं, इसमें आपकी जैसे देखा जाए, आप मीटिंग भी चल रही है, इसके साथ में आपका संपर्क भी चल रहा है, तो उपचुनाव की क्या कुछ कैसी तैयारी चल रही है? भाजपा बारे में तो सूचना दी थी, इसमें कोई संशय नहीं है। विकास मुद्दा रहेगा, शिवराज सिंह जी की नीतियां, लोगों ने 1.5 साल का कमलनाथ का दुराचारी शासन भी देख लिया और हमें इस चीज में कोई संशय नहीं है। जनता हमारा साथ देगी और हम इस सीट को प्रचंड करेंगे।